नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मैड मैकेनिक चैनल। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हाई प्रेशर पंप से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में और हाई प्रेशर पंप काम कैसे करता है, आज उस बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हाई प्रेशर पंप असल में काम कैसे करता है। तो आप ये फिगर देख सकते हैं, हाई प्रेशर पंप का बेसिकली मॉडल यही होता है और उसमें तीन सिलेंडर्स होते हैं जैसे कि आपकी कार में होते हैं। तो ये बेसिकली उन्हीं पर, उसी प्रिंसिपल पर काम करता है। तो ये काम कैसे करता है तो मैं आपको एक सैंपल बता देता हूँ। इसमें एक होता है पंप जो कि फ्यूल को पंप करता है आगे की ओर, फिर दूसरा है इसमें वैल्व, जिस वैल्व से ये होकर गुजरते हैं जो कि इसके फ्लो को कंट्रोल करता है। तीसरा है रेगुलेटर। रेगुलेटर काम क्या करता है कि जब आप एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं तो ये रेगुलेटर वाल्व जो है खुलता है और फ्यूल को आगे जाने देता है कॉमन रेल में, जिससे कि ज़्यादा फ्यूल जो है गाड़ी के अंदर जाए और गाड़ी जो है स्पीड पकड़ ले। तो अब इसको समझते कैसे हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले देखिए, ये जो आपका हिस्सा है ये जाता है कॉमन रेल में, सेंटर पीस वाला होता है आपका मेन लाइन जो आपके टैंक से डीजल फिल्टर के थ्रू होते हैं यहाँ पर आता है। फिर होती है एक रिटर्निंग, ये होती है रिटर्निंग जहाँ से डीजल जो है रिटर्न होकर वापस टैंक में जाता है। तो जब यहाँ से फ्यूल अंदर आता है तो ये पिस्टन इसको प्रेस करके इस पिस्टन के ऊपर भेजता है, फिर ये भेजता है इसके ऊपर। तो ये फ्यूल जो है एक बार वाल्व से होके आता है और एक बार रेगुलेटर में होके आता है और बाद में कॉमन रेल इस जगह से आपके कॉमन रेल के अंदर जाता है। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल है इसका एसी कंप्रेसर का, सब एक ही प्रिंसिपल पे सभी काम करते हैं, तभी जाके ये इतना हाई प्रेशर प्रोड्यूस कर पाते हैं। क्योंकि जब ये हाई प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं तभी जाके डीजल इंजेक्टर जो है इसको फायर कर पाते हैं। अब आते हैं पॉइंट पे कि डीजल जो पंप है उसको लोग ज़्यादातर बना क्यों नहीं पाते। सबसे पहली चीज़ जो है कि अगर आप उस चीज़ के बारे में अगर जानकारी नहीं रखेंगे तब आप उसको नहीं बना पाएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो कई बार कई गाड़ियों में क्या होता है कि एसी कंप्रेसर या फिर आपका एयर कंप्रेसर जैसे काम करता है उस हिसाब से ये भी काम करते हैं, यानी पर सिलेंडर जो है प्रेशर प्रोड्यूस करता है कॉमन रेल की तरफ। तो इससे भी जो है गाड़ी में प्रेशर प्रोड्यूस होता है, क्योंकि डीजल में भी कई तरह के डीजल पंप आते हैं जो कि अलग अलग उनकी फायरिंग ऑर्डर होती है, अलग अलग उनका कंप्रेशन होता है। तो डीजल जो इंजेक्टर हैं उनको 2000 PSI का प्रेशर चाहिए होता है तब जाके वो अंदर फायर करते हैं। तो अब आते हैं डीजल पंप के कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। सबसे पहला प्रॉब्लम होता है लो RPM पे प्रेशर प्रोड्यूस ना करना। दूसरा है हाई प्रेशर पंप जब हायर RPM पे होता है तो डीजल पंप का फेल होना। फिर तीसरा है अगर आप बहुत कम गाड़ी चलाते हैं तो भी आपकी डीजल गाड़ी का पंप ख़राब हो जाएगा, या फिर आप लो क्वालिटी का फ्यूल यूज़ करते हैं तो ख़राब हो जाएगा, और आप अपने डीजल गाड़ी के टैंक में फ्यूल कम रखते हैं तो भी आपकी गाड़ी का जो है डीजल पंप जो है हाई प्रेशर डीजल पंप ये भी ख़राब हो जाएगा। तो अब आते हैं स्लो RPM पे ये काम क्यों नहीं करता। सबसे पहली चीज़ जो डीजल में होती है कि अगर आपका कोई भी इंजेक्टर काम नहीं या सिलेंडर हाई प्रेशर पंप में काम नहीं करता है तो ये इसकी रिटर्निंग जो है वो बढ़ जाते हैं, ये फ्यूल को होल्ड नहीं कर पाता है, इसके वाल्व जो है प्रेशर होल्ड नहीं कर पाते हैं, रेगुलेटर पूरी तरह से खुल जाता है तो काम नहीं करता है, या फिर रेगुलेटर जो है बंद हो जाते हैं तो काम नहीं करते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम हाई प्रेशर पंप में आती है। जब भी आप हाई प्रेशर पंप रिपेयर कराते हैं तो स्विच ब्रांड न्यू, वाल्व का ब्रांड न्यू होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कि अगर आप बाकी सारी चीज़ें रिपेयर कर रहे हैं तो इन दोनों चीज़ों का ब्रांड न्यू होना ज़रूरी है, सभी लाइन जो है वो क्लीन होनी बहुत ज़रूरी होती है, तभी जाके हाई प्रेशर पंप सक्सेस होते हैं। तो लो RPM पे ये काम क्यों नहीं करता अब ये बता देता हूँ। जब ये फ्यूल प्रेशराइज्ड होता है तो अगर इन दो तीनों में से अगर कोई भी एक या दो इसके जो पिस्टन्स हैं अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो ये लो RPM पे
उतना प्रेशर प्रोड्यूस नहीं कर पाता, लेकिन जब तीनों काम करते हैं तब हाई प्रेशर प्रोड्यूस होता है। तो जब ये लो में नहीं काम करते हैं, तो ये हाई में काम कर रहे होते हैं। जब आप एयर इनटेक में गाड़ी के थोड़ा सा पेट्रोल, कोई भी फ्लेमेबल चीज़ अगर आप डाल देंगे तो गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि फ्यूल इग्नाइट हो जाता है और आरपीएम मिल जाता है। और आरपीएम बढ़ने की वजह से इसके बाकी दो जो पिस्टन है वो भी काम करने लगते हैं, क्योंकि इसके बीच में जो कैम है वो इनको घुमाता है, इनको प्रेस करता है, क्योंकि ये एसी कंप्रेसर की तरह ही है। ये इस तरह यूं घूमते हैं जिससे कि ये बारी बारी हर एक सिलेंडर जो है फ्यूल को प्रेस करता है, जिससे कि इसका कंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि गर्म होता है उसमें अचानक से फेल क्यों हो जाता है, फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, या फिर गाड़ी जब गर्म हो जाती है तो ये फेल हो जाता है। उसका कारण भी इसके पिस्टन है, क्योंकि अगर कई बार क्या होता है कि पिस्टन में अगर आप लोकल पार्ट्स यूज़ करते हैं तो जब चीज़ें हीट हो जाती हैं अंदर की और लुब्रिकेशन खो देती हैं, यानी प्रॉपर लुब्रिकेशन उनको नहीं मिल रहा होता है, तो क्या होता है कि इनके जो रिंग है या फिर ओ रिंग होती है अंदर वो कट जाती है। जब वो कट जाती है तब जो है इसमें लीकेज की प्रॉब्लम जो है वो आती है। इसको रिपेयर करने में क्या होता है कि जब हम कोई भी गाड़ी का इंजन बनाते हैं तो उसकी पिस्टन को भी क्लीन करते हैं, रिंग भी चेंज करते हैं और सिलेंडर्स को बोर भी करते हैं। सेम चीज़ इसमें भी अगर आप करते हैं, अगर आपको प्रॉपर पार्ट्स मिल जाते हैं इसके डायमीटर के हिसाब से, तो ये सक्सेस होंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ स्टैंडर्ड पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं, इसके बोर डायमीटर ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा देर तक सक्सेस नहीं होती है, क्योंकि हीट होने के बावजूद भी मेटल एक लिमिट तक ही एक्सपेंड होते हैं, क्योंकि इसमें फ्यूल कंटिन्यू फ्लो हो रहा है, तो वो ज़्यादा गर्म नहीं होने देता पंप को, जिससे कि मेटल ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करते हैं। और लो क्वालिटी फ्यूल होने के कारण जो है इसमें ग्राइंडिंग होती है और आपका हाई प्रेशर पंप ख़राब हो जाता है। तो बेसिकली आपका हाई प्रेशर पंप तीन चीज़ों पे चलता है, पंप, रेगुलेटर और वाल्व। अगर ये तीनों चीज़ आपकी प्रॉपर सही हैं तो आपका पंप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आपका पंप बार बार इशू कर रहा है, अगर आपने ब्रांड न्यू पंप लगाया है उसकी भी यही इशू हो रही है, तब आप क्या करें कि आप अपने फ्यूल टैंक में ऑयल, यानी जो टूटी ऑयल टू स्ट्रोक इंजन में पड़ता है, वो डाल दें, जिससे कि आपकी फ्यूल की क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी, जिससे क्या है कि फ्यूल की जो डीजल के अंदर लुब्रिकेशन होती है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि इंजेक्टर और हाई प्रेशर पंप को लुब्रिकेशन मिल जाएगा, जिससे कि आपके हाई प्रेशर पंप और आपके जो इंजेक्टर्स हैं वो प्रॉपर अच्छे से काम करेंगे और जो इसकी नॉकिंग साउंड, ग्राइंडिंग की जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।